بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد हर किस्म की हमदो सना बड़ाई की बिरयाई और इबादत प्यारे नाम आला सिफात अल्लाह सुभानहु व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है जो खालिक मालिक राज़िक हैं अकेला इबादत के लायक हैं और बेशुमार दुरूद व सलाम हों अल्लाह ताला की अंबिया व मुरसलीन खुसूसन उनमें से सबसे आखिरी अफजल हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर आपके सहाबाए किराम पर और जिन्होंने अच्छे तौर पर उनकी पैरवी की उन तमाम पर अल्लाह सुब्हान व तआला की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल हों और हमें भी उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि साथी जानते हैं कि यहाँ मस्जिद सुन्ना नबविया लाहौर में महाना दर्स होता है, इसमें दीन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं, अकीदा मनहज हो या इबादात और फिक हो या आखरत से मुतालिक उमूर हों और उन तमाम चीज़ों को जो है मामलात हों इंसानी, हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ अहले इल्म उलमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब और उनकी शुरुआत से उसे सीखने समझने की कोशिश करें। इस ताल्लुक से एक दर्ज है शेख सालेह अल शेख हफीज़ुल्लाह का जो हमने शुरू किया था, जो नहायत मुफीद है और इस ताल्लुक से काफ़ी अफरात और तफरीत कमी और ज्यादती लोगों में पाई जाती हैं, जो कि हदीस की कुतुब और फिक की कुतुब के ताल्लुक से हैं। जैसे कि हदीस और फिक के ताल्लुक से भी हमारा बर्रे सगीर हो या इसके अलावा ये मुश्किलात पाई जाती हैं। कुछ हदीस पर अमल करते हैं, असहाबुल हदीस अहलुल हदीस होते हैं, तो वो फिक से बिल्कुल उनको चिड़ होती है, जबकि फिक जो है किताब सुन्नत के फहम का नाम है, वो भी किताब सुन्नत से लिया गया होता है, और दूसरी तरफ अंधी तकलीद और तासुब करते हैं अपने मजहब के लिए और अपनी राय को तरजीह देते हैं अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो भी मज़मूम है। उनकी ज़िद में रद्द अमल के तौर पर इस किस्म के लोग वजूद में आ गए, लेकिन हमने अपने तमाम जो पिछले दुरूस थे उससे ये सीखा कि ये दोनों लाजिम मलज़ूम हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करने वाली चीज़ हैं। जो अहले फिक हैं वही अहलुल हदीस हैं, जो अहलुल हदीस हैं अहले फिक हैं, और दोनों में तासुब पाया जा सकता है जो मज़मूम हैं, और दोनों जो है अदल इंसाफ से चलने वाले इल्म और हिकमत से भरपूर अहले इल्म गुजरे हैं तो वो काबिल तारीफ हैं, तो दोनों से बेनियाज नहीं हुआ जा सकता, दोनों को मिलाकर उससे फायदे हासिल किए जा सकते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल हमने पेश की कि हमने यही मस्जिद सुन्ना लाहौर में जो है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह की फिकही किताब थी कि नमाज के क्या अरकान हैं, क्या शराइत हैं, वजू के बस जुमले लिखे हुए थे और कहीं दलील वो देते थे नीचे उसके, और शेख उन्हें बाद रहमतुल्लाह ने उसकी तो शराह की और अच्छे तरीके से आप समझ गए। कौन कहता है कि इसके बगैर यानी हम समझे नहीं उस बात को, समझे अच्छे तरीके से उस पर जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हदीस की किताब भी हम जब शुरू करेंगे उसकी शुरुआत पढ़ेंगे यानी तशरीहात, तो देखेंगे कि वो भी जो है फिकही उसूल उसमें से लेकर आते हैं जो किताब सुन्नत से उन्होंने सीखे हैं, ताकि बात सही तौर पर समझ में आ जाए। इस ताल्लुक से आखिर में शेख से दर्स तो ख़त्म हो गया है और ये कुछ इल्मी दर्स है, इसलिए तलबा की जो है दिलचस्पी का सबब है, बाकी आम आवाम शायद इस जो है बाद इस्तलाहात और बातें उनके लिए मुश्किल हों उन्हें समझना, तो तलबा को खसूसी तौर पर इस पर जो है ध्यान करना चाहिए और उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक जो तालिब इल्म होता है, जो सलफ़ी है, अहले सुन्ना और हदीस है, वो आमी लोगों आवाम की तरह तो नहीं होता है कि वो भी ये चाहता है कि सुस्ती और काहली में अपने और तनासानी के लिए कि मेरा भी वही लेवल रहे और ज़िंदगी भर मैं आमी हूँ जैसा रहूँ, आम आम जैसा, मुझे भी आम जो है आसान बातें बगैर इस्तलाहात के और जो उलमा की कुछ एडवांस बातें होती हैं किताबें इल्म में आगे बढ़ते रहना चाहिए, छोटे से शुरू करके आगे तक जाते हैं, तो बस मैं भी वही बुनियादी चीज़ों पर ही अटका रहूँ ज़िंदगी भर और वही सीखूँ, इस तरह नहीं है। खुसूसन हमारे इस माशरे में तो खुसूसी ज़रूरत है, फौज की फौज ज़रूरत है, उलमा की तलबा की जो ये काम करें, जैसा कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इक्के दुक्के से तो काम नहीं चलेगा, इतने लोग चाहिए जो तफसीर में भी महारत हासिल करें, हदीस में भी और जो फिक में भी, अकीदे मनहज में, और आगे लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। जिस तरह गुमराही के कितने दाहियान भरे हुए हैं और जहालत तो बिल्कुल आम है, जाहिल बनने के लिए कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करते तो जाहिल ही रहते हैं,
तो हमें तो और ज्यादा जरूरत है पिछले अदवार में दौर जिन उलमा सलफ सारहीन की हम किताबें पढ़ते हैं उनसे पहले साहब वो तो इल्म से भरे हुए थे। एक ही दौर में कि आलिम के इतने तलबा वो खुद शेखुल इस्लाम होते थे, उनके तलबा भी शेखुल इस्लाम होते थे, मुहद्दिसीन फुकहा होते थे। अब तो ये नहीं है, कितने लोग हैं अल्लामा और कुछ पता नहीं क्या कुछ कहलाते हैं, मगर आप देखते हैं उनके बुनियादी उसूल सही नहीं होते, अकीदे मनाज उनके बिगड़े हुए होते हैं। तो क्या फायदा उनके इतने लंबे चौड़े अलकाब का। उधर तो ज्यादा जरूरत है कि जो है तलब इल्म संजीदगी से किया जाए, अच्छे तरीके से इसको समझा जाए, जो चीज मुश्किल लगे इंसान उसको बार बार कोशिश करे और आखिरकार उसका फहम हासिल कर लेगा अल्लाह ताला की तौफीक से, और वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझे जितने सलफी हैं हमारे साथी हैं करीबी हैं दूसरे के, वो तलब इल्म जैसा मनहज अपनाए कि मैं सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ अमल तो करना ही है, आगे उसको किस तरीके से मैं पहुंचाऊं, तो इसके ऊपर जो है खास ध्यान देने की जरूरत है। शेख से सवाल हुआ, बाज लोग कोई शख्स ये एतराज कर सकता है कि अगर हम किताबें देखें हदीस की शुरुआत की जो किताबें होती हैं तो हम देखते हैं उसमें गलतियां कम होती हैं दूसरी किताबों की बनिस्बत, यानी जो फिकही किताबें होती हैं और उसकी शुरुआत होती हैं, क्योंकि जो मुहद्दिसीन होते हैं वो अपने किसी साहिब के कॉल से दलील नहीं ले रहे होते हैं कि मेरे मजहब के इमाम का ये कौल है या उनके बाद वालों जो मजाहब के अकवाल हैं उसको दलील नहीं बनाते, हदीस को दलील बनाते हैं डायरेक्ट, चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो मगर हदीस हो। और जो फुकहा होते हैं उनमें ज़्यादातर अगलबुहुम मतलब उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो हदीस के ऊपर अपनी राय को तरजीह देते हैं, खुसूसन जो ज़ईफ़ हदीस हो तो उस पर अपनी राय को तरजीह देते हैं, और दूसरे वालों का आपने सुना कि हदीस हो राय से ज्यादा बेहतर। तो क्या ये कलाम सही है? शेख जवाब देते हैं कि ये मुश्किल है जो पहले भी शेख ने पूरे अपने दर्स में जिक्र की, इस किस्म के जो मसाइल होते हैं तालिब इल्म जो होता है उस पर इस किस्म के इश्कालात और शुबहात आते हैं। क्यों आते हैं? इस किस्म की बातें कौन करने वाला शख्स होता है या कौन तालिब इल्म होता है? हमारे यहाँ भी ये आम है कि उसके उसके जो नजरियाती बात होती है जो थ्योरी होती है वो बहुत वसीह होती है, उसने पढ़ा बहुत ज्यादा होता है इन चीजों को, लेकिन जो तस्दीक होती है प्रैक्टिकल होता है वो कलील होता है कम होता है। यानी अहादीस की किताबों की किताबें जिस तरह यहाँ पर रिवाज है हमारा वो पढ़े जाते हैं उसकी जो तस्दीक होती है फिकह एतबार से जिस मसले के ऊपर अप्लाई करके तुम्हें निकालना है मुख्तलिफ अहादीस से वो नतीजा वो बहुत कम होता है, तो फिर वो इस किस्म के एतराज उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता ना कि किस कहां से वो उसने अपनी तरफ से बात कर दी, उस जो है मुफ्ती ने उस फकीह ने उस आलिम ने मुज्तहिद ने ये हदीस तो ये कह रही है, हालांकि उसे पता नहीं है कि उसने सबको जमा करके किस तरह वो नतीजा निकाला। तो ये सतही किस्म की बात करते हैं, यानी वो ये जो जो कुलियात कायदे होते हैं फिलहाल चीज के ताल्लुक से उसने उनको जाना तो है मगर उस पर अमल नहीं किया, ममारसा नहीं किया, उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया, उसने अप्लाई करके नहीं देखा सही तौर पे, क्योंकि अगर बहुत वसी पैमाने पर वो उस पर अमल करता वाकई उसको अप्लाई करके देखता नाफिज करके तो वो पाता कि ये कलाम उसका सही नहीं है, जो बज़ाहिर अच्छी बात लग रही है उसकी और सही बात लग रही है सही नहीं है इसकी बात। क्योंकि अगर आप हदीस की जो शुरुआत की किताब है उन्हें देखेंगे, यानी वो ये कह रहा है कि उन्हें देखेंगे तो उसमें कम गलतियां हैं दूसरी किताबों से, यानी जो फिकही किताबें हैं उसमें, तो उसने जो ये एक फतवा दे दिया है या एक बात कह दी है उसने, तो ये जो करार दे रहा है कि उसमें कम गलतियां हैं इसमें ज्यादा गलतियां हैं वो किस उसूल की बुनियाद पर कह रहे हैं? उसने किस चीज को मयार बना के जांचा कि इसमें कम गलतियां इसमें ज्यादा? वही उसूल फिक की बुनियाद पर उसने देखा होगा, तो फिर इसका मतलब वो खुद भी उस पर अमल कर रहा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं, शेख फरमाते हैं कि जो नजर करता है इन किताबों में हर हर मसले को देखता है तो वो तरजीह देता है किसी मसले को, ये मसला ज्यादा काबिले तरजीह है, वो उस पर कोई बुनियाद होती है ना कि किस वजह से तुमने इसको तरजीह दे दी। उसूल फिक होंगे ना, मसलन एक आम हदीस है और दूसरी हदीस ने उसको खास कर दिया है, एक आम हुक्म था दूसरी हदीस ने जो है उसको खास कर दिया है कि ये करना चाहिए मगर इस हालत में ये नहीं करना चाहिए, तो ये उसूल फिक आप लेकर आए ना कि एक आम चीज होती है तो उस पर उस हदीस पे फौरन अमल करने का जाए, अगर उसको खास मिल गई है तो वो उसके साथ कैद हो गई है। यही सारी चीजें तो की जाती हैं फिकही एतबार से। तो फरमाते हैं एक एक मसले को देखेंगे क्यों तरजीह दी है, जो शरह करने वाला है हदीस की और फकीह से फकीह के कलाम से क्यों जो है उसका कलाम ज्यादा काबिले तरजीह है।
क्योंकि हम सिर्फ हदीस हदीस की किताबों की और फिक्र की किताबों की बात कर रहे हैं, मुहद्दिस और फकीह की बात नहीं कर रहे हैं, किसी खास आलिम मुहद्दिस और किसी खास फकीह की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि इब्ने हजर और इब्ने कुदामा, इब्ने हजर जो हैं हदीस की शर करने वाले हैं फतुल बारी की, इब्ने कुदामा जो हैं हम्बली फिक की उनकी मशहूर किताबें हैं अल-मुग़नी वगैरह और उससे पहले की, या फिर जो अन-नववी और इब्ने कुदामा या इस तरीके का तकाबला हम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में शेख कह रहे हैं मैं बात नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं कि किताबें जो फिक्र ही किताब हैं उसके क्या इम्तियाजात हैं और जो हदीस की किताबें हैं उसके क्या इम्तियाज हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। जब ये जान लेगा और तालिबे इल्म अच्छे तरीके से इसका अहाता करेगा तब उसको ये बात मालूम चलेगी। और ये कहना कि जो हदीस की किताबें हैं उसमें कम गलतियां हैं, ये गलत, ये जवाब सही नहीं है किसी का इस तरीके की बात करना, क्योंकि दोनों इस लायक हैं कि जिसमें इज्तिहाद से काम लिया गया है उसमें देखा गया है, दलाइल को एक दूसरे पर तरजीह दी गई है, दोनों में ये चीज़ बरूएकार लाई गई है, क्योंकि जो कुतुब फिक होती हैं उसमें भी जो है अपनी नज़र अपने नज़रियात और इज्तिहाद डालता है वो अहदीस में तरजीह देते हुए फिक्र या काम में, और हदीस की जो शुरुआत की किताबें उसमें भी ये होता है। हाँ जो फिक्र ही किताबें हैं वो जो फकीह है या जो आलिम है जिसने उस किताब को लिखा है या उसकी तशरीह की है उसके एतबार से मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी ये हुक्म आप लगाएं कि उसकी सही नहीं है, वो सिर्फ राय बयान करता है। अगर कोई वो मुहक्किक तहकीक करने वाला आलिम है तो उसकी जो नज़र होगी मसाइल के ऊपर या किसी मसले को उस पर तरजीह देना, वो जो है उस दलाइल पर नज़र करते हुए कवायद को अपनाते हुए उसने की होगी जो फकीह होगा उस, ये जो है इस आलिम के इल्मी मर्तबा देखकर हम ये फैसला करेंगे कि वो जो है बेहतर है, उसने कम गलती की उसने ज़्यादा की है। हो सकता है कोई मुहद्दिस ही क्यों ना हो लेकिन उसके जो है फिक और फहम कम हो, ज़यीफ हो, ये तो हदीस से भी साबित है। वो जो मशहूर खुतबा हज्जतुल वदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से जो सुने वो आगे तक पहुंचा दें, ये हो सकता है कि जो मुबल्लिग है जो आगे पहुंचा रहे हैं उससे जो दूसरा है औ आमिन अस्साम है जिसको पहुंचाया जा रहा है वो ज्यादा समझने वाला हो उससे जो पहुंचा रहे हैं, और यानी जो हदीस वाला है हामिल फिक है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उसके पास हैं लेकिन वो जिसको पहुंचा रहे हैं वो ज्यादा फकीह हो, अफकहु मिन्हु हदीस के अल्फाज हैं, उससे ज्यादा फकीह हो। हदीस तो थी उसके पास अल्फाज उसको याद थे लेकिन उससे ये भी मसला निकलता है, ऐसे नहीं पता था और वो ज्यादा फकीर था जिसको उसने बताया, हालांकि उसको हदीस उस वक्त मालूम नहीं थी। तो शेख फरमाते हैं हो सकता है कोई मुहद्दिस हो मगर जो है उसकी तहकीक वगैरह यानी मसाइल को अखज करना वगैरह वो ज़यीफ हो। मिसाल शेख ने दी कि जो हिंदुस्तान के उलमा हैं जो हदीस वगैरह की किताबों की शुरुआत लिखते हैं उनका एक ग्रोह है, उनके एक बड़ा ग्रोह है, बहुत से जो उलमाए हिंद होते हैं यही इंडो पाकिस्तान वाले, उन्होंने जो है हदीस की शुरुआत की है, बुखारी की भी की है, मिशकातुल मसाबे वगैरह की भी की है और बाद ने सही मुस्लिम की भी की है, तिरमिजी की है किसी ने, ये हदीस की शुरुआत हैं। लेकिन इनकी जो शुरुआत का तरीका होता है वो क्या अहलुल हदीस का तरीका है या वो ये हनफी जो उलमाओं ने की हुई है, यहाँ पर जो सारी हदीस की किताबों की उनकी शुरुआत मिलती हैं हनफी देवबंदी वगैरह किस्म के उनका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो अहलुल हदीस के तरीके पर किए हैं या इनके जो हनफी मुकल्लिदों वाला तरीका होता है यानी फिकही वाला मजाहब वाला उसके मुताबिक किए हैं। तो शेख फरमाते हैं अक्सर जो है हनफी तरीके के मुताबिक की हुई है उन्होंने, हालांकि वो हदीस की किताब है। आप किस तरह कह रहे थे कि हदीस की शर करने वाला कम गलती करता है, तो वो एक मजहब को जो हनफी मजहब है उसको ही साबित कर रहे होते हैं, आपको उसका शऊर भी नहीं होता, हालांकि कह रहे होते हैं हम सही बुखारी पढ़ा रहे हैं हदीस की किताब है लेकिन अपना जो मसला है उससे वो साबित कर रहे होते हैं किसी तरीके से भी। तो देखने वाला कोई आप जैसा देखने के लिए आए और वो कहे कि ये जो है ये तो सारी सुन्नत की बातें हैं हदीस की बातें हैं, सही बुखारी पे शर है ना फलाना जो है हनफी देवबंदी आलिम की, देखो हदीस की किताब की शर की है, तुम कैसे कह रहे हो कि हदीस बयान नहीं करता है, हदीस के मुताबिक मसला नहीं है, उसने भी तशरीह की है, वो भी कहेगा कि ये दलाइल है। लेकिन जो दूसरे दलाइल होते हैं वो उसको नहीं लेकर आया होगा, उससे एक इक्का दुक्का दलीलें लेकर आया होगा, और जो वो दलील लेकर आया अपने मसले को मसलन हनफी कोई मसला साबित करने को जो सही हदीस के खिलाफ हो मसलन, वो दलील बनता ही ना हो या फिर भी वो उसको लेकर आया हो मगर बता आपको ये रहा हो कि मैंने तो हदीस बयान की है। चुनाचा अगर आप देखेंगे ये मुतकद्दमीन की जो कुछ हदीस हैं जो इस किस्म की तशरीहात करते हैं वो अपने जो खास मजहब होता है उसका
उसकी तायीद कर रहे होते हैं, उससे उसको साबित कर रहे होते हैं। मुतकद्दमीन यानी पहले के उलमा की भी आप किताबें देखें, उलमा हिंद को आप छोड़ें, उसके अलावा भी देखें, शेख फरमाते हैं जैसे कि अलबेहकी की सुनन कुबरा है, इमाम बेहकी की किताब, और सुनन वुस्ता भी है, सुनन सोगरा भी है, ये सारी जो है शाया हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि ये जो इमाम बेहकी हैं वो अहदीस लाकर कोशिश करते हैं पूरी कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह का जो मजहब है उसको साबित करें उन मसाइल से। एक इमाम तरकमानी थे, उन्होंने उनका ताकुब भी किया इस चीज़ पर, यानी इस चीज़ पर उनको पकड़ भी किए, देखा है कि जानबूझ के जो है शाफई मजहब के मसाइल अहादीस लाए हैं, लेकिन लाए इस तरीके से कि उसको साबित करना चाहते हैं। आपने देखा है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो जैसा तर्जुमतुल वाव होते हैं, अहादीस होती हैं उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग होती है, तो उससे कोई मसला साबित करना चाहता है, कोई भी मुहदिस होता है वो, तो वो जिस भी कई मसले का कायल होता है उसको साबित करना चाहता है, और वो जरूरी नहीं होता कि हर एक के वो समझ में आए, हर कोई इसको माने, या वाकई उससे मसला निकलता हो या ना हो, वो उसका फिक होता है, वो चाहता है कि वो उससे साबित करें। और जो है अत-तुर्कमानी है, उन्होंने ताकुब भी किया इनका, और जो कुछ इमाम बेहकी इस्तदलाल कर रहे थे, दलील के तौर पे साबित कर रहे थे कुछ मसाइल पर, जो है उनसे उनकी मुखालफत भी की। इसी तरह जो हम्बली होते हैं, बाद मसाइल में उनकी दूसरी राय होती है, चुनाचा कोई किसी आलिम का एतमाद करना हदीस पर, आसार पर, ये आप कहें कि किसी आलिम, कोई भी आलिम हो, मुहद्दिस हो या फकीह हो, ये नहीं कहें कि जो है कुतुब हदीस व फिक, कोई भी आलिम हो, मुहद्दिस फकीह वगैरह, उनकी कोई भी किताब हो, जो ज्यादा एतमाद करता है हदीस पर, सही हदीस पर, सही ज़ईफ को अलग करता है, आसार पे सहाबा के वगैरह, वो ज्यादा सही होता है, कम गलतियां करने वाला होता है, ये कहो तो तुम्हारी बात बने और सही हो, ये नहीं कि किताबों की इस तरह और जो है मुहद्दिस फकीह की इस तरह तकसीम कर दी तुमने, ये कहो कि वो अपनी राय पर कम एतबात करता है, और बराह रास्त अहादीस, सही अहादीस बयान करने पर और उनकी तहकीक करने पर, आसार जिक्र करने पर ज्यादा तवज्जो देता है, उसको बयान करता है, तो उसकी हुज्जत ज्यादा कवी होती है, वो ज्यादा बेहतर होता है, कम गलतियां करता है, ये इस तरह कुल्लिया आप जिक्र करें जो आपने किया तो सही होगी बात। इसीलिए शेख फरमाते हैं, शेख उल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह किसी मौके पर, जैसे कि अल इस्तकामा किताब के शुरू में शेख फरमाते हैं, शेख सालेह अल शेख मेरा ख्याल है उधर जिक्र किया है, कि बिलाशुबा जो अहलुल हदीस होते हैं या जो आसार पर एतमाद करते हैं अहले इल्म में से, वो ज़्यादा इस बात पर कादिर हैं, यानी अहलियत रखते हैं कि वो फतवा दें हर जमाने के मुताबिक जिसमें वो रह रहे हैं, हर हालात और जमाने के एतबार से, क्योंकि जो फतवा होता है वो जमाने के एतबार से तब्दील भी होता रहता है, तो वो जो होता है वो अपने उस फतवे को उस जमाने में भी सही तौर पे चला सकता है कि अब ये इस तरीके से यहां पर फिट होगा, जबकि अहले राय जो होते हैं या जो फिक अपनाते हैं जामत किस्म की, जो हिलते ही नहीं है, पुराने मसला जिस तरीके से बताया था उस जमाने में शायद चलता हो, आज वो नहीं चलता है, जबरदस्ती फिर उसी को अप्लाई करते हैं, तो वो इस किस्म के मसाइल जो किसी के जमाने में पेश आते हैं उसी वक्त आते हैं, हादसात होते हैं, नए नए बातें होती हैं जिस पर फतवा देना होता है, वो सही फैसले नहीं कर सकते हैं ना सही फतवा दे सकते हैं, क्योंकि उनका नहीं चल सकता है, क्योंकि वो जो जो मैंने इमाम तैमिया फरमाते हैं जो हदीस और आसार को लेता है वो नसूस को देखता है, यानी कुरानी आयात हदीस को आसार को, और उससे फिर मसला निकालता है जो हर दौर में काबिले अमल हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो क्या करता है जो दूसरा वाला है बताया, जो अंधे तकलीद करते हैं, जामिद होते हैं अपने फिक पे, वो अपने इमाम के जो फतावा हैं, बातें वगैरह जो पुराने दौर के हैं उसी को देखता है, और फिर चाहता है उसको मौजूदा दौर पे या जो हालात पेश आए जो उसके मुताबिक भी नहीं है उस पर अप्लाई करें, तो नुसूस में की ये शान है अल्लाह ताला की तरफ से आयात हदीस वगैरह की, कि वो हर दौर में चलने के लायक हैं क्योंकि वो हर दौर के लिए बने हैं, लेकिन इनके किसी आलिम की या फकीह की जो फिक फहम है हो सकता है वो मखसूस दौर और हालात के एतबार से कोई बात उन्होंने कही हो, तो कोई भी इमाम हो मुय्यन उसकी इज्जत और जलालत कदर वगैरह अपनी जगह है, लेकिन उसने जो फतवे वगैरह दिए होते हैं या मसाइल होते हैं वो अपने शहर या मुल्क जिसमें वो रहता था उसके एतबार से उसने उस वक्त दिए थे, इसीलिए जो साहिब असर होते हैं, जो आसार की पैरवी करते हैं,
हाँ, ये आप कहें कि वो कम गलती करते हैं राय की पैरवी करने वाले, जो सिर्फ राय की पैरवी करते हैं, या ऐसी फिक की पैरवी करते हैं जो दलील के बगैर हो, बस फिक के काम है, कोई दलील नहीं है उसके पीछे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी गलतियां ज्यादा होंगी और जो हदीस पे चलता है उसकी कम होगी। लेकिन ये कहना कि किताबें कुतुब हदीस जो होती हैं और कुतुब फिक होती हैं उसमें ये तकाबला पेश करना, तो ये हसबे मौलिफ देखेंगे कि लिखने वाला कौन है, किस किस्म का है। फिकही किताब का भी कोई हो सकता है और हदीस की किताब का भी। मिसाल के तौर पर शेख फरमाते हैं कि सुबुल सलाम जो है किताब और नैलुल अवतार है। सुबुल सलाम कौन सी किताब है? ये बुलूगुल मराम की शरह है। बुलूगुल मराम जो है हदीस की किताब है हाफिज इब्न हजर की, वो शुरू में पढ़ाई जाती है, इसमें अहकाम की हदीस है। और सुबुल सलाम इमाम सनानी की है, यमन के इमाम शुकानी वगैरह के दौर के। और नैलुल अवतार है वो भी जो है शरह है, अलमुंतका, अलमुंतका अलअखबार जो है ये हदीस की किताब है। ये इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के दादा अबुल वरकात जो हैं उनकी किताब है, अबुल वरकात इब्न तैमिया, उसकी ये उन्होंने शर की है नैलुल अवतार के नाम से। तो ये दोनों किताबें हैं, आप पाएंगे कि फर्क वाजे हैं इसके और उसके दरमियान। इमाम शुकानी जो हैं मिसाल के तौर पे मुस्तलह हदीस जो होती हैं, हदीस की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मुस्तलह हदीस जो मुहद्दिसीन का काम है वो सीखते हैं, सिखाते हैं, इसनाद को देखना हो या मुस्तलह हदीस हो, उसमें उनको कोई खास मलका हासिल नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है उसमें, बल्कि वो उसमें पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं किसकी? हाफिज इब्न हजर की अतलखीस उल हबीर किताब है हाफिज इब्न हजर की, बस उसी की कॉपी करते हैं, उन्होंने इसमें जो कह दिया। इस तरह हमारे जैसे मसला, हमारा कोई लेवल नहीं है तो हम यही कहते हैं ना कि शेख अल्बानी ने सही कहा है। वो क्यों सही कहा है वो हमें तो नहीं है, वो फिर वो पूरा जाके देखो जो इस लेवल का हो, और वो देखे कि रावी को पढ़े और बताए क्यों तरजीह दी गई है। तो शेख फरमाते हैं कि उनका कोई इज्तिहाद नहीं है अपना इसनाद के ताल्लुक से और रिजाल के ताल्लुक से, और उनके तबकात जो होते हैं रिजाल असमा और रिजाल के। इसी तरीके अगर वो कुछ है भी थोड़ी बहुत नजर उनकी, लिख भी लेते हैं इसने इससे रिवायत की है इसलिए, तो उसमें वो बिल्कुल तकलीद कर रहे होते हैं, यानी जो किसी मुहद्दिस ने कहा होता है। और जब वो उसूल की तरफ आते हैं तो फिर उसूल में उनके वो खुद उसूली हैं बड़े, और उसमें उनके अपने इज्तिहादात होते हैं, इतने ज्यादा इज्तिहादात भी होते हैं कि वो आइम्मा मजाहिब जो हैं, जैसे कि आइम्मा अरबा हैं, चार आइम्मा जो हनफी शाफई मालिकी हम्बली वगैरह, उनकी भी मुखालफत करते हैं इमाम अशोकानी रहमुल्ला जो हैं अपने नैलुल अवतार वगैरह किताब में। इसी तरीके से उनकी किताब में और भी जो है इज्तिहादात हैं, जैसे इरशादुल फुहूल भी किताब है, आप देखेंगे उनकी ये किताब है इरशादुल फुहूल, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिसमें सबकी मुखालफत कर लेते हैं इमाम अशोकानी। तो देखने वाला देखेगा अगर नैलुल अवतार को, वो देखेगा कि जो है उन्होंने, इमाम शुकानी ने हदीस की किताब है, उन्होंने वहां पर जो है हदीस लिखी है और इस मसले को ये सही कहा है, इसको तरजीह दी है, और ये तो मुज्तहिद है, और ये तो मुज्तहिद आलिम है, कोई मजाहब की तकलीद करने वाला अंधा मुकल्लिद तो नहीं है किसी का, और किसी के लिए तासुब वो नहीं करता, और वो समझेगा इसको तरजीह देगा कि यही सही बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो इज्तिहादी सलाहियत उनके अंदर मौजूद है इमाम शुकानी में भी वो काबिल नहीं है। किस तरीके से वो मसाइल में तो वो इज्तिहाद करते हैं, यानी शहरी मसला समझने के लिए अहदीस को देखकर, लेकिन अहदीस की इसनाद में तो मुकल्लिद हैं, तकलीद करते हैं कि फलाने ने सही कहा फलाने ने सही कहा। आप खुद जो है उनको रावियों को देखें और फिर अपने तौर पर बताएं कि मेरे नजदीक ये सही सही है, तो आप जो है इसनाद में भी इज्तिहाद करने वाले, जैसे शेख अल्बानी करते हैं, उनकी किताबें वगैरह आप देखते हैं, हम तो सिर्फ बता देते हैं कि उन्होंने कहा, और वो लेकिन असल किताब में तो पूरी उन्होंने तहकीक और बहस की भी होती है। तो उनके पास बहुत कम मार्फत है तखरीज की, अहदीस की जो तखरीज होती है और उसकी इसनाद की इस्तकलालन यानी इंडिपेंडेंट तौर पे, सही है, किसी के ऊपर इन्हिसार किए बगैर वो कम बहुत इल्म रखते हैं तखरीज का और इसनाद का, किसी ना किसी पर एतमाद करते हैं, मुस्तकिल तौर पे अलग से वो नहीं कर सकते, बल्कि वो नकल ही करते हैं दूसरों से, यानी उससे नकल करके बता दिए। लेकिन जहां तक उसूल की बात है, हाँ उसमें जो है वो करते हैं इज्तिहाद, अलबत्त उनसे बाज अकवाल रह जाते हैं, बाज बातें उनसे भी रह जाती हैं, बाज दलाइल उनसे भी रह जाते हैं, कोई समझे कि इनको भी सारे दलाइल का इल्म है इसलिए इनकी बात सही, ऐसा नहीं है, चाहे वो दलाइल में ही क्यों ना मुज्तहिद हों, अहदीस में वगैरह उसके मतन में और मसाइल को समझने में, फिर भी उनसे कुछ चीजें रह जाती हैं, तो जो कुछ उन्हें मिला होता है उसी की बुनियाद पर वो किसी चीज को तरजीह देते हैं या मसला बयान करते हैं।
हालांकि हमें बाद में मालूम चलता है या आज के दौर में कोई देखे नहीं लोलोतार किताब को और वो किसी मसले के कायल हैं और बहुत सी दलाइल वहां पर नहीं लेकर आए जो हमें या किसी और आलिम को मालूम चल सकते हैं और किए हैं ताकुब किया है किसी ने उन पर पकड़ किए हैं। तो और भी दलाइल थे जो उन्हें मालूम नहीं थे और भी कवायद थे जो उस वक्त नहीं जानते थे जो उनके मुखालिफ वाले कौल के दलाइल थे उसका जवाब वो नहीं दे पाए। कुछ का जवाब दिया कुछ का मालूम ही नहीं था कि ये भी दलील उसकी बनती है कि वो उसका जवाब दे पाते हैं। चुनाचा गालिबन आप देखेंगे तो उन्होंने जो फतुल बारी किताब है उसी को यानी मुख्तसर करके गोया कि ये नेलुल उलुतार बना दी उन्हीं हाफिज इब्न हजर के बातें लेकर और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसमें डाल दी। लेकिन जो सुबुल सलाम दूसरी किताब हमने जिक्र की ये भी यमन के आलिम उनके दौर के उनसे बड़े इमाम सनानी बुलूगुल मराम की शर है। हालांकि वो हदीस की किताब है हाफिज इब्न हजर की उन्होंने भी फतुल बारी हाफिज इब्न हजर से लेकर जो है नेलुल उलुतार में डाल दिया। इन्होंने जो है आप देखें कि ये जो है इमाम सनानी उनका एक अलग तरीका और जाविया है देखने का क्योंकि उन्होंने एक किताब है उसका नाम है अल बद्र उत तमाम। ये किताब है अल हुसैन बिन मोहम्मद अल मगरिबी की यानी वो बुलूगुल मराम की शर्ह है उसका भी नाम क्या है अल बद्र उत तमाम। उसके तलखीस किए हैं यानी उसको मुख्तसर करके लिखा है और उसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से डाली हैं। तो दोनों के नजरियात देखने के अंदाज जो है मुख्तलिफ हैं। हालांकि हदीस की शर कर रहे हैं सुबुल सलाम में मगर उसका अंदाज जो है उनका बयान का और तरीका वो मुख्तलिफ हैं नैनुल अवतार के अंदाज से। हालांकि ये दोनों क्या हैं दोनों हदीस की किताबें हैं वो बुलूगुल मराम की शर है और ये अल मुंतका अल अखबार जो मैंने आपको बताया उसकी शर है। चुनाचे ये जो सवाल में बात की गई है ये इस किस्म के शख्स की तरफ से बात की गई है जिसने तमाम पहलुओं से इन बातों को नहीं समझाया अच्छे तरीके से ना हदीस की किताब को ना फिक की किताब को। उसने कोई मेहनत नहीं की है हदीस की किताब को समझने या फिक की किताब को समझने के लिए। अगर वो करता तो इस किस्म की बात ना कहता। उसकी जो ये बात है कि ज्यादातर जो फुकहा होते हैं वो अपनी राय को तरजीह देते हैं हदीस के ऊपर अगर राय जयीफ हो यानी हदीस अगर ज़यीफ़ हो वो कहते मशहूर कौल है कि ज़यीफ़ हदीस पर मैं अपनी राय को तरजीह देता हूँ। तो ये बात गैर सही है उसकी जो है सतही किस्म की बात है इसके गहराई में वो नहीं गया हुआ।